सब कहीं दुर्गा को 18 हाथ दिखाते हैं, नव हाथी दर नव हाथी दर, कहीं कहीं दुर्गा को 16 हाथ दिखाते, कहीं कहीं दुर्गा को 8 हाथ दिखाते हैं। तो ये बताइए कि जो आदमी दुर्गा को पैदा किया जी, दुर्गा को बना के उल्टा सीधा रंग पोछ के बना दिया जी, वही में एक गधा जाता तो रुपया दे के दुर्गा को लाता है, अपना स्थापना करा के उनसे आशीर्वाद मांगता है। दुर्गा इतना आशीर्वाद देने वाली होती तो जो दुर्गा को बनाता है वो का बेवकूफ है, क्यों बेचता उसको जी। एक तो दुर्गा को बना के पैसा ले लिया, और यहां तक ये समाज नहीं समझ पाया कि जिस मूर्ति को स्वयं मानव बना रहा है, जिस मूर्ति को स्वयं इंसान बना रहा है, मिट्टी ऐंठ के काट के लतिया के वही मिट्टी से देवी देवता का मूर्ति बनावत है, तो अपने कमाने के लिए बना रहा है। दूसरा पैसा दे के खरीद के ला रहा है, वहां अगरबत्ती लेके कह दे कि हे दुर्गा माई हमके नौकरी मिल जा, हे दुर्गा माई हमके दौलत मिल जा, हे दुर्गा माई हमारे परिवार में धन्य धान से संपन्न हो जा। दुर्गा माई में इतनी ताकत रह तो जो बना करके बेचता, इसका मतलब मूर्ख है। लेकिन उनको ला के यहां रख करके अब समाज को समझाते हैं कि तुम इनकी पूजा करो तुम्हारा कल्याण होगा, तो पूजा के बदले इतनी बड़ी बड़ी दान पेट का दे लेंगे। वहां जाने के बाद लोग पैसा न देंगे, दूसरे से उधार मांग के पैसा डालना कि डाल दे तो दुर्गा माई खुश रहेंगे। आज हम 100 200 डाल दे तो मैंने 500 दुर्गा माई का जानी कोनो बहाने भेज दिया, तो यहाँ तो सब बहाना खोजा था और दान पेट का रखा वाले दे के बार बाल घीचल करो तुम जी। सर जी, संत गुरु रविदास भारत के नहीं दुनिया के कई देशों में लोग उनकी विचारधारा पर स्मरण करते हैं जी। बस ये है कि संत गुरु रविदास शूद्र समाज से थे, शूद्र में अछूत समाज से थे, ये बदे सब लोग का डाय मतलब नहीं छोड़ा। अरे रविदास चमार न रहना, लेकिन उन्होंने पानी भर दिया सबको। यहाँ जो बड़े बड़े त्रिकुंडा और दाढ़ा लगा के बढ़ा के बड़े संत बन के बैठे हैं, वो टोटल इस समाज को झूठ ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका यह अध्ययन है कि ये समाज कभी सत्य की तरफ न बढ़ पाए। जिस दिन समाज सत्य को समझ गया उस दिन यहां हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। मगर सर, रविदास जी की मूर्ति के बगल में गंगा जी की लोग मूर्ति प्रतिमा बना दिए हैं और मीरा जी की प्रतिमा बना दी है। नहीं, मीरा की तो सही है जी, गंगा की मेरे समझ में है जी तो गलत है जी। गंगा कोई महिला नहीं थी जी, जान ली। तो कैसे चित्र लोग बना देते हैं सर? यार हम ये कह रहे हैं कि चित्र ब्रह्मा कैसे बना दिए, दुर्गा का कैसे बना दिए जी। और ये बुक लिख करके वो ये साबित करना चाहते थे कि अगर संत गुरु रविदास को हम चमत्कारी पुरुष बताते हैं जी, तो ये पिछड़ा समाज अनपढ़ गंवार समाज जो है जी, ये मूर्तियों में जाके मत्था पटकेगा जी, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या इस देश में एससी एसटी ओबीसी की है जी, और संत गुरु रविदास की विचारधारा पूरे समाज पर हावी है जी। तो संत गुरु रविदास को जबरदस्ती एक संत ये सब कहे कि ये साधु थे, लेकिन मैं कहता हूं कि संत गुरु रविदास वो साधु नहीं थे, मंदिर में घंटा घड़ियाल बजाने वाले, संत ठोकने वाले। संत गुरु रविदास केवल सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़े चिंतक थे, समाज को किन किन बिंदुओं पर और समाज के लोगों को किन किन पैटर्न पर जी बर्बाद किया जा रहा था, वहां से संत गुरु रविदास सबको बचाते थे। संत गुरु रविदास कभी भगवान भगवान पर भरोसा नहीं किया, संत गुरु रविदास केवल प्रकृति को मानते थे, संत गुरु रविदास तथागत बुद्ध को मानते थे जी। अगर संत गुरु रविदास बुद्ध को मान रहे हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि संत गुरु रविदास मूर्तियों की पूजा करते हैं। जितनी भी कहानी उनको चमत्कारी बनाने के लिए, मैं तो एक बात पूछता हूं कि संत गुरु
रविदास जी अगर इतने बड़े चमत्कारी थे, यहां तक कह दिए कि विष्णु जी के अवतार संत गुरु रविदास हैं जी, और इतने बड़े चमत्कारी थे तो उनकी हत्या क्यों किए? संत गुरु रविदास की फिर हत्या ब्राह्मणों ने क्यों किया? जब इतनी बड़ा चमत्कार उनके अंदर था, स्वयं गंगा ने दर्शन दिया, स्वयं गंगा ने कंगन दिया जी, तो फिर उनकी चित्तौड़ में हत्या क्यों किया इन लोगों ने? क्योंकि ये जानते हैं कि ये समाज टोटल मूर्ख है। यहां जो पढ़ लिख लिया ले, पढ़ा लिखा तो और बड़ा मूर्ख है, क्योंकि ढोंग और पाखंड को ये आदर्श मान करके श्रद्धा से ढो रहे हैं, और संत गुरु रविदास ढोंग आडंबर पाखंड को नहीं मानते थे और अपने समाज को बचाते थे कि इससे आप लोग दूरी रहिए। इसी विचारधारा को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जब धम्म दीक्षा लिया तो उसमें 22 प्रतिज्ञा में, पहली प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं इस देश में देवी देवताओं को नहीं मारूंगा। ये वाणी संत गुरु रविदास की थी जी, आदर्शता ये जो है तथागत बुद्ध की थी जी। इसी चीज को संत कबीर ने भी आगे बढ़ाया, और हमारे पढ़े लिखे समाज को जी इतनी बारीकी से सब मूर्ख बना दिए। ये सोच रहे थे कि ये समाज पढ़ा लिखा भी मूर्ति है पूज रहा है, ये सब हम लोगों को समझ नहीं पाएंगे।